एंड दिस बुक इज फॉर ग्रेड 6. लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. स्टूडेंट्स, यू हैव अ लिटल इंट्रो अबाउट दीज हेडिंग्स फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आस्क योर सेल्फ अबाउट व्हाट आर सेल्स. नाउ लुक एट योर सेल्फ. Your body is made up of different kinds of cells like hair cells, nails, skin cells, etc. All are different in functions and structures. So, cell is the smallest unit of life. Cells are often specialized to carry out particular job. Large number of similar cells pack together to form a tissue, and different tissues arrange together to form an organ. So look at the first page, that is cells. Students, आपने अपनी पूरी बॉडी को देख लिया है कि आपकी बॉडी जो है वो डिफरेंट तरह के सेल्स से मिलके बनी हुई है. ठीक है, अब ये जो सेल्स हैं ये आपस में मिलके फिर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन्स बनाते हैं. और जो ऑर्गन्स हैं वो क्या करेंगे, वो और डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स आपस में ज्वाइन करके जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो मिलके फिर पूरी ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल की बॉडी या प्लांट की बॉडी को बनाते हैं. तो सबसे पहले आप सेल्स को देखें कि ये जो सेल्स हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स दैट आर कॉल्ड सेल्स. ऑल्दो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स विच हैव डिफरेंट जॉब्स, मोस्ट सेल्स हैव सर्टेन फीचर्स इन कॉमन. आप इनमें देखें कि सेल्स तो आपके सारी, अगर आप देखें जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आपके हेयर, नेल्स, स्किन सेल्स आपस में कितने डिफरेंट हैं. ठीक है, लेकिन आप इसी तरह एनिमल्स और प्लांट सेल्स जो हैं उनमें भी ज़रा देखा जाए तो कितना फ़र्क है. आप अपने सेल्स को ज़रा कंपेयर करें अपनी बॉडीज़ को प्लांट्स के साथ. ठीक है, तो ये कितनी मुख्तलिफ है. लेकिन सेल्स, प्लांट्स की बॉडी भी सेल्स से मिलकर बनी हुई है और एनिमल्स की बॉडी भी. अब इन सब में कुछ फीचर्स जो कॉमन हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे. तो इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स व्हाट गोज इन टू एंड आउट ऑफ द सेल. यानी कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन हमारे पास क्या है कि ये इस चीज़ को कंट्रोल करती है कि हमारे सेल के अंदर क्या चीज़ अंदर जाती है और क्या चीज़ जो है उसने बाहर जाना है. सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सब्सटेंस विच मेकअप ऑफ मोस्ट ऑफ सेल्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. यानी कि ये आप वो चीज़ें पा रही हैं जो एनिमल सेल्स में भी हैं और प्लांट सेल्स में, दोनों में कॉमन है. ठीक है, तो उनमें दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो क्या है जी, साइटोप्लाज्म. ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है और ये करता क्या है कि इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होती हैं सेल की. ठीक है, जो मुख्तलिफ चीज़ें करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखें, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या करता है, प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर द सेल्स. अदर कॉल्ड राइबोसोम्स मेक प्रोटीन. अब ये जो प्रोटीन है ये देखें ये कैसे बनती है कि इसको मैसेज मिलता है और प्रिपेयर इसको जो है वो राइबोसोम करता है. अब ये जो इसको मैसेज मिलता है वो किधर से मिलता है, दे रिसीव केमिकल मैसेज फ्रॉम द न्यूक्लियस विच टेल देम एग्जैक्टली विच प्रोटीन टू मेक. फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी पे कट लग जाता है तो आपका जो न्यूक्लियस है वो मैसेज देता है राइबोसोम्स को कि इस तरह की प्रोटीन जो है वो प्रिपेयर की जाए ताकि वो उस जख्म को या उस कट को रिपेयर किया जा सके. इसके बाद जो बेसिक पार्ट इसका आ जाता है वो है जी न्यूक्लियस. अब देखें, द न्यूक्लियस कंटेन सब्सटेंस कॉल्ड डीएनए. इसमें क्या चीज़ होती है जी, डीएनए, डीऑक्सीन्यूक्लिक एसिड. The nucleus carries the plans for the plants and animal cells will grow into or part of. यानी कि किसी सेल ने जो है वो कैसे ग्रो करना है. इसके अलावा ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स द काइंड्स ऑफ द केमिकल्स द सेल मेक्स एंड हाउ मच ऑफ ईच ऑफ देम इज प्रोड्यूस्ड. एंड इट आल्सो कंट्रोल्स हाउ एंड व्हेन द सेल डिवाइड्स. ये सारी यानी कि सेल ने कब डिवाइड होना है. आपको पता है कि जब आपकी बॉडी ग्रो कर रही होती है या जिस्म पे कोई कट वगैरह लगता है तो इसकी जो इसको जो रिकवरी है या जो आपकी ग्रोथ है ये सेल डिवीजन की वजह से हो रही होती है.
अ प्लांट और एनिमल सेल्स विदाउट न्यूक्लियस कैन नॉट रिप्रोड्यूस. न्यूक्लियस के बगैर जो बॉडी है, प्लांट चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, उसके सेल्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते. स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट सेल्स. आप देखें, सबसे पहले उन्होंने आपको बताया कि जो दोनों में चीज़ें कॉमन थी, उसके बाद वो बता रहे हैं कि प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है. Although both plants and animals normally have cell membrane, cytoplasm and nucleus, there are some features found in plant cells that are not present in animal cells. अब वो फीचर्स देखें कि जो एनिमल सेल्स में तो हैं, लेकिन सॉरी जो एनिमल सेल्स में नहीं है, जबकि जो वो प्लांट सेल्स में हैं, तो वो कौन से. उनमें सबसे बेसिक चीज़ आ जाती है सेल वॉल. स्टूडेंट्स, आप अपने माइंड में थोड़ा सा एग की जो एग्जांपल है उसको लाएं, एग को अपने माइंड में, आम जो आप नाश्ते में रोज़ सुबह लेते हैं उस एग को थोड़ा सा अपने माइंड में लाएं. अगर आप देखें तो जो उसका जो आउटर कवर होता है, जो एग शेल होता है, उसको आप समझ लें कि वो क्या है. वो एक सेल वॉल के तौर पे काम कर रहा होता है. ठीक है, सेल वॉल जो है वो हार्ड आउटर कवरिंग होती है सेल की, जो सेल को रिजिड रखती है. ठीक है, उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट, आपने कभी नोट किया हो तो एग के अंदर आपको एक जेली लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है. ठीक है, जिसने अगर आप एग बॉइल्ड करते हैं, ठीक है, उसको एग शेल को जब आप ऊपर से उतार देते हो, आप देखते हैं कि अंदर से एक जेली वाइट की सी इस तरह से निकलती है. ठीक है, उसको आप अपने माइंड में ले लें कि वो आपकी सेल में ब्रेन के तौर पर काम कर रही होती है. फिर देखें, अगर आप एग की योक को देखते हैं या उसकी जो फैदी है उसको देखते हैं, तो वो ये जो योक है ये न्यूक्लियस के तौर पे अपने माइंड में सेट कर लें आप लोग. और जो उसकी फैदी है वो सारी जो है वो क्या, साइटोप्लाज्म है. ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म है. अब देखें, प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है. इसके बाद देखें, दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ मटीरियल कॉल्ड सेलुलेज, यानी कि ये सेल वॉल है ये किस चीज़ से बनी हुई होती है. ये बनी हुई होती है जी सेलुलेज, एंड इट हेल्प्स टू कीप द प्लांट रिजिड. ये प्लांट की रिजिडिटी को कायम रखती है. इसके बाद आ जाते हैं वैक्यूल. द वैक्यूल जो है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, साइटोप्लाज्म के सेंटर में होता है और ये काम क्या करता है, इट टेक्स अप मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द सेल्स एंड कंटेन्स अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट. यानी कि इसका फंक्शन क्या है, ये सॉल्ट और शुगर के सॉल्यूशन को रखता है, जिसको क्या कहते हैं, सेल सैप. दैट इज कॉल्ड सेल सैप. व्हाट इज सेल सैप स्टूडेंट्स? सेल सैप इज द सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इनसाइड द सेल. द सेल सैप पुशेस द साइटोप्लाज्म अप अगेंस्ट द सेल वॉल टू कीप द सेल रिजिड. ठीक है, इसका भी अगेंस्ट फंक्शन थोड़ा सा जो है वो सेल वॉल से मिलता जुलता है. ये भी क्या करता है कि सेल को रिजिड रखने में हेल्पफुल है. इसके बाद देखें क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो है कंटेन्स द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल. इसके अंदर क्या होता है जी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है. क्लोरोफिल इज यूज बाय द प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अपने माइंड में लाएं, आपने कभी गौर किया हो या आप किसी भी प्लांट के ऊपर नज़र डालें. ठीक है, तो प्लांट का आपको जो कलर ग्रीन नज़र आता है ना, ये क्यों नज़र आता है, ये इनमें मौजूद क्लोरोप्लास्ट की वजह से है. ठीक है, यानी कि क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं. ठीक है, और आपको पता है कि सनलाइट को ट्रैप करेंगे तो ही फोटोसिंथेसिस का अमल होगा, और फोटोसिंथेसिस का अमल होगा तो देन जो प्लांट्स हैं वो इस काबिल होंगे कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकें. लुक एट द डायग्राम ऑफ द प्लांट सेल. देखें, सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है वो आपको नज़र आ रही होगी. ये क्या है जी, सेल वॉल. इसके बाद देखें सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, इसके बाद देखें आपको ये बड़ा सा इसमें नज़र आ रहा है परमानेंट वैक्यूल नज़र आ रहा है. इसके बाद देखें ये क्लोरोप्लास्ट आपको शो करवाएं, फिर ये न्यूक्लियस है, और ये जो सारा जेली लाइक स्ट्रक्चर जिसमें ये सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, ये क्या है जी, ये है जी साइटोप्लाज्म. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात ये है कि आप देखें प्लांट्स में कभी आपने देखा है कि कोई बोन आपको नज़र आई हो किसी प्लांट के अंदर? ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्लांट के अंदर जो है वो स्केलेटन नहीं होता, जिस तरह हमारी बॉडीज के अंदर है. ठीक है, तो प्लांट्स को रिजिड रहने के लिए या प्लांट्स को अपना आप कायम रखने के लिए दो चीज़ें जो है वो हेल्प करती हैं, कौन कौन सी, एक सेल वॉल और दूसरा सेल सैप जो वैक्यूल के अंदर होता है. ये सेल को क्या रखता है जी, रिजिड रखता है. इसके बाद देखें
एनिमल सेल का स्ट्रक्चर आ जाता है. सिंपल एनिमल सेल्स हैव द बेसिक स्ट्रक्चर्स शोन इन द अबव डायग्राम. एनिमल सेल्स डिफर फ्रॉम द प्लांट सेल्स बिकॉज, अब देखें बेसिक स्ट्रक्चर दोनों का एक जैसा ही है, लेकिन दोनों जो हैं वो आप बता रहे हैं आपको कि दोनों में जो है वो डिफरेंट चीज़ें क्या हैं, डिफरेंस क्या है. तो उसमें देखें कि सबसे पहले एनिमल सेल जो है वो प्लांट सेल से किस तरह डिफरेंट है. इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, ठीक है. इसकी आउटर कवरिंग देखें, सबसे पहली जो इसकी लेयर है वो किस चीज़ की है, सेल मेम्ब्रेन की. उसके बाद इसके अंदर वैक्यूल्स हैं, ठीक है. इसमें वैक्यूल्स छोटी साइज में कम होते, छोटे होते हैं और तादाद में ज़्यादा होते हैं. इसके बाद देखें साइटोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया क्या थे, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. फिर देखें स्पेशलिस्ट प्लांट सेल्स कौन सी होते हैं. ऑल द प्लांट्स हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर्स, लेकिन कुछ जो हमारे पास सेल्स हैं वो क्या करते हैं कि उनका अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, थोड़ा सा बाकियों से अलग होता है, ठीक है. जिसमें आ जाते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखें ना कि रूट सेल्स जो हैं ये जो लीव के सेल होंगे या जो पैलिसेड सेल होंगे इनसे क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे. तो ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है. आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ें और इसको बार बार रीड आउट करें और इसको अच्छे तरीके से तैयार करें. अल्लाह हाफिज़.